भाइयों और बहनों, कांग्रेस के नामदारों की सरकार की गलत नीतियों के कारण देश भर में आए दिन बम धमाके होते थे। बम फोड़ने वालों के तार सीमा पार पाकिस्तान तक जाते थे। लेकिन कांग्रेस ने क्या किया? वो कहती रही, हुआ तो हुआ। इतना ही नहीं, इन लोगों ने हिंदू आतंकवाद का एक नया सिगुफा गढ़ दिया। हमारी महान परंपरा को जबरदस्ती बदनाम करने की इस कांग्रेस की साजिश के कारण ही असली आतंकी बचते रहे और निर्दोषों का खून बहाते रहे। साथियों, यही कारण है कि आज आतंकवाद और राष्ट्रीय सुरक्षा पर बात करने से डरते हैं। आपने देखा कि पहले सर्जिकल स्ट्राइक और फिर एयर स्ट्राइक, दोनों पर इन्होंने सवाल खड़े किए। कांग्रेस की इसी सोच ने हमेशा देश का नुकसान कराया है। ये सिर्फ अपने परिवारों, अपने रिश्तेदारों और अपने दरबारियों के हित में ही सोच सकते हैं। अपने अहंकार में न ये झूठ बोलने से घबराते हैं, न झूठे वायदे करने से। आप मुझे बताइए, यहां इन लोगों ने किसानों का कर्ज माफ करने का वादा किया था कि नहीं किया था? सबके सब बताएंगे तो फिर मैं मानूंगा, वरना मैं भी क्यों मानूंगा। कर्ज माफी का वादा किया था, कर्ज माफी का वादा किया था, 10 दिन में करेंगे ऐसा कहा था, उनके नामदार ने आके कहा था, मध्य प्रदेश को 1 से 10 की गिनती सिखाई थी, और अगर 10 दिन में नहीं करेंगे तो मुख्यमंत्री को बदल देंगे कहा था कि नहीं कहा था? ये सब कुछ पब्लिक में कहा था कि नहीं कहा था? जनता जनार्दन ईश्वर का रूप होता है, जनता जनार्दन के सामने कहा था कि नहीं कहा था? उसको भी उन्होंने ठगा कि नहीं ठगा? आपको ठगा कि नहीं ठगा? ईश्वर को ठगा कि नहीं ठगा? इस पर भरोसा कर सकते हैं? आजादी के 55 साल एक परिवार ने इसी प्रकार से देश को ठगा है, क्या अब भी आप उनको ठगने का अधिकार देना चाहते हो क्या? किसी भी हालत में देना चाहते हो क्या? बिजली का बिल हाफ करेंगे कहा था ना, बिजली का बिल हाफ करेंगे, ये कहा था गा? ऐसा नहीं, जरा मुझे बताइए कहा था, कहा था? भाइयों बहनों, बिल हाफ हुआ या बिजली की सप्लाई हाफ हुई? भाइयों और बहनों, आज किसानों के घर पर पुलिस पहुंच रही है, कर्जदार किसानों के जेल जाने की नौबत आ रही है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? इस सवाल का जवाब है तुगलक रोड चुनाव घोटाला। दिल्ली में जो इनके नामदार है उनके पोस्टर जो आज आप रतलाम में, मंदसौर में, जाबवा में, उज्जैन में देख रहे हैं, वो उस चोरी का माल है, भ्रष्टाचार का पैसा है, वो तुगलक रोड घोटाले का पैसा है, और ये पैसे आपके लिए भेजे गए थे। गरीब आदिवासी बच्चों, प्रसूता माताओं के पोषण के लिए जो पहला पैसा दिल्ली से भेजा गया था वो इन्होंने लूट लिया। पूरे देश ने देखा कि कैसे नोटों से भरे बोरे कांग्रेसियों के घर से निकले।